कोटा जिले में शिक्षा विभाग भी अपने स्कूलों को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के अधीन आने वाले इटावा, खेराबाद, कोटा शहर, लाड़पुरा, सांगो, सुल्तानपुर के स्कूलों में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इन 6 ब्लॉक के स्कूलों में कुल 7,06,025 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक 1,14,132 पौधे लग चुके हैं और 1,19,810 गड्ढे भी करवाए गए हैं जिनमें पौधारोपण किया जाएगा। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मीणा के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में अब तक 65,936 पौधे और प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में 48,196 पौधों को रोपित किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान में 47,924 छायादार, 23,962 फलदार और 47,924 अन्य तरह के पौधे लगाए गए हैं और जल्द ही सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा भी किया जाएगा। कोटा जिले के शिक्षा विभाग को हमको जो डायरेक्टर साहब ने दिया है टारगेट 7 लाख के करीब दिया है, 7 लाख पौधारोपण कराना है हमको विद्यालयों में। और इस वृक्षारोपण के लिए हमने ब्लॉक वाइज ना टारगेट दिया है सभी विद्यालयों को। 340 स्कूल के संस्था प्रधान, PO, UCCO को हमने टारगेट दिया है और ब्लॉक वाइज टारगेट दिया गया है सभी को। और उसमें ना जगह चिन्हीकरण कर लिया गया है, पौधारोपण चल रहा है बराबर। और उसकी आज तक की जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिक्षा विभाग का जो हमारा टारगेट है जिसमें प्राथमिक मतलब प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों शामिल हैं, हमारा टारगेट है 7,06,025 जिसमें से आज दिनांक तक जो पौधे लगाए जा चुके हैं वो है हमारे पास 1,14,132 पौधे लगाए जा चुके हैं और 1,19,810 गड्ढे खोदे जा चुके हैं।